आईपीएल 2021 के 51वें मुकाबले में मंगलवार को मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें कायम हैं। मैच खत्म होने के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने ईशान किशन के प्रदर्शन की तारीफ की, साथ ही उन्होंने फील्डिंग कोच जेम्स पेमेंट की जमकर तारीफ की। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपको जिमी यानी जेम्स पेमेंट से पूछना होगा कि वह एक और पेप टॉक करना चाहते हैं। वह हमसे बात करना पसंद करते हैं। वह एक महान कैरेक्टर हैं, जिन्हें टीम में होना ही चाहिए। सॉलिड मैन स्क्वाड ग्रुप में हर समय माहौल को खुशनुमा बनाए रखते हैं और यह कुछ ऐसा है जो बहुत जरूरी है। हम वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे जैसा चाहते थे, इसीलिए आपको उनके जैसे किसी व्यक्ति से इस तरह की बातचीत की जरूरत होती है। हमारे लिए बस आगे बढ़ना महत्वपूर्ण था। 53 साल के जेम्स पेमेंट का जन्म इंग्लैंड में हुआ, जो बाद में न्यूजीलैंड जाकर बस गए। जेम्स पेमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट तो कभी नहीं खेल सके। ऑकलैंड के लिए उन्होंने 14 फर्स्ट क्लास और 33 लिस्ट ए मैच जरूर खेले। फर्स्ट क्लास मैचों में जेम्स पेमेंट ने 15.95 की औसत से 351 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल रहे। वही लिस्ट ए मुकाबले में जेम्स पेमेंट के नाम पर 30.09 की औसत से 933 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 6 अर्धशतक निकले। साल 2018 के आईपीएल सीजन के लिए पहली बार जेम्स पेमेंट को मुंबई इंडियंस का फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया था। ईशान किशन की पारी को लेकर रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, वह 2 मुकाबलों के बाद मैदान में उतरे थे। मैं वहां जोखिम लेने के लिए मौजूद था। हम उनकी क्षमता को जानते हैं। हम चाहते थे कि वह कुछ समय बिताएं और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। आपको बता दें कि शारजाह में हुए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स 20 ओवरों में 9 विकेट पर महज 90 रन बना पाई। आईपीएल 2021 में किसी टीम का न्यूनतम स्कोर रहा। राजस्थान रॉयल्स की ओर से एविन लुइस समेत सिर्फ 4 बल्लेबाज दोहरे अंकों में पहुंच पाए। मुंबई इंडियंस की ओर से नाथन कूल्टर नाइल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटकाए। जेम्स नीशम ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट झटके। जवाब में मुंबई इंडियंस ने महज 8.2 ओवरों में 2 विकेट पर 94 रन बनाकर मैच जीत लिया। ईशान किशन ने 25 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की। ईशान किशन की पारी में 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे।